Hey guys, it's me Abhishek Sharpi. Welcome back to the Abhishek Vlog again. So guys, good morning from Guwahati. So अभी मैं जा रहा हूँ सुबह मार्केट पे, पेट्रोल भी डालना है और सब्जी भी खरीदना है. इसके कारण सब्जी तो नहीं, माछ खरीदेंगे. इसके कारण क्या लेता हूँ वो आपको बाजार जाके ही पता चलेगा. सो वीडियो पे बने रहो. मैं चलो अभी चलते हैं बाजार पे, मैं आपको लेके चलता हूँ. अभी मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे. अभी पेट्रोल भरा लेते हैं. अभी पेट्रोल भी भरा लिया है. सो अभी चलो बाजार पे चलते हैं. बाजार पे जाके मछली खरीद रहे हैं. बाजार पे तो आ चुका हूँ. उधर है बाजार, मछली चाहिए वो मिलता है कि नहीं. चलो चलते हैं जाके देखते हैं. यहाँ पर देखो पोर्क, हरी उधर चिकन. यहाँ पर देखो मुझे जो मछली चाहिए वो तो नहीं है. ये टुप्पुआ मैम लिया है मछली से. खरीदते हैं सब्जी. मैन किलो, आधा किलो दिया. ये बाजार पहले यहाँ पर नहीं था, अभी यहाँ पर आ गया. वहाँ पर था, मैं गया था पहले, वहाँ पर था ये बाजार पहले. अभी गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता. अभी बाजार भी कर लिया है एंड अभी मैं जाऊँगा पूरी खरीदने के लिए. पूरी घर पे खाएंगे. इसके कारण पूरी आज मतलब घर पे नहीं बनाएंगे, आज होटल से जाके लेके खाएंगे. तो अभी चलो पूरी लेके आते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा पूरी लेने से. ये देखो कितने स्पीड से आ रहे हैं. ये देख सकते हो NEF कॉलेज एंड वहाँ पर सामने हमारे दीदी का घर है. और ये कॉलेज के सामने ही उधर है हमारे दीदी का घर. देखो कितना सुंदर है. यहाँ पर बन रहा है हमारा टेस्टी पराठा. मैं पास प्लेट लेके जाऊँगा यहाँ से. पूरी तो नहीं मिला, मैंने पराठा लिया, पास टू पराठा लिया. चलो अभी चलते हैं घर पे. ये देख सकते हो पूरा पाँच लिया, फाइव, ये सब खाएंगे. अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे. 7 hours later. अभी मैं आया था अंशुमान को ट्यूशन पे छोड़ने के लिए एंड गुवाहाटी में अभी थोड़ा सा बारिश हुआ. बारिश होने के बाद देखो पूरा मतलब ड्रेन का पानी से पूरा रास्ता जाम हो चुका है. मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना पानी हुआ है. पूरा लगता है ऐसा कि फ्लड आ गया. मैं दिखाता हूँ, रुको देखो. The next day. So guys, आज मैं फाइनली अपने घर पे जाने वाला हूँ. सो आज मेरा 28 डेज हो चुका है एंड दो दिन रहता तो पूरा एक मंथ हो जाता पूरा बाहर निकले हुए अरुणाचल ट्रिप के लिए. बाकी आज मैं जा रहा हूँ. सुबह सुबह हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो चाय आ चुका है. अभी मैं तो चाय नहीं पीता, आज पीना पड़ेगा एंड पी के जल्दी रेडी होते. हमारा ट्रेन है सुबह 8 बजे. सो अभी हम लोग 5 बजे रेडी हो चुके हैं. मैं तो रेडी नहीं हुआ, मैं रेडी हो चुका हूँ बोल रहा हूँ. मैं रेडी नहीं हुआ, सभी लोग रेडी हो चुके हैं. मैं अभी फटाक से नहाऊंगा एंड उसके बाद रेडी हूँ मैं. तो मेरा क्या है, मैं तो नहा के बस ड्रेस पहनूंगा इसके लिए. सो अभी मैं आप लोगों से नहा के मिलता हूँ. सो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ एंड देखो उसकी वजह से मैं रेडी हो गया. एंड अभी मैं चार्जर निकाल लेता हूँ और सारे बैग तो नीचे उतार चुके हैं एंड इस कपड़े को मैं अपने बैग पर डालता हूँ. चलो नीचे भी आ चुका हूँ एंड देख सकते हो आज इतने सारे बैग्स लेके जाएंगे और भी है ऊपर. एंड यहाँ पर देखो मेरा बैग कितना फूल चुका है, कितना ज़्यादा कपड़े और क्या है ये आप देख सकते हो. सब मेरे ही है यहाँ पर, इस पर तो मेरे हैं तो पूरा फुल हो चुका है. बाकी इसको भी डालना पड़ेगा, इनको भी डालना पड़ेगा. कैसे डालूंगा, फोन रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा. देखो आज भी मैंने ब्लैक लगाया है और हमारा गाड़ी आ चुका है. बाकी मोटर किसने चला दिया, अब इसको ऑफ कर देता हूँ नहीं तो पूरा मोटर सूख जाएगा. कब से चलाया हुआ शायद से. बाकी अभी मैं ऊपर जाता हूँ एंड कुछ खा के निकलते हैं. अभी पहले मैं सारे बैग को जो है गाड़ी पे डाल देता हूँ. चलो सारे सामान गाड़ी पे लोड कर चुके हैं. भाई पूरा गाड़ी फुल हो चुका है. बैठने की जगह है ना, उधर भी मतलब बैग्स रख दिया बैठने की जगह पे भी. और भी बैग्स है, उनको कहाँ पर रखेंगे वही सोच रहा हूँ मैं तो. पर देखो सभी लोग रेडी हो चुके हैं एंड अंशुमान हाई करो. स्कूल जाओगे ना अंशुमान? स्कूल जाएगा, सुबह उठ चुका है ये भी. अंशुमान टाटा, हम लोग तो आज जा रहे हैं. तुम स्कूल जा रहे हो?
हाँ फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है एंड सब कुछ सामान वामान सब कुछ मतलब ये देखो पूरा गाड़ी का हालत कैसा हो चुका है, पूरा मतलब फुल हो चुका है सामान ही सामान। किधर बैठेंगे? फाइनली निकल चुके हैं एंड देख सकते हो कैसे बैठे हैं, पूरा देखो सामान ही सामान। आज तो पूरा लाइक ट्रक गाड़ी पे बैठे हैं ऐसा लग रहा है। और इधर देखो नेपाली और इधर देखो इसको, इधर से देख सकती है और इधर देख रही है। रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं एंड देख सकते हो ये सब सामान लेके जाएंगे भाई। ओह इसको देखो ये तो बहुत खुश है। तो कितने बैग है मैं काउंट करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आईना लगा के 9 पूरा ये सब लेके जाएंगे। यहाँ पर देखो दीदी हम लोगों को फिर से छोड़ने के लिए आ गई। यहाँ पर अभी हम लोगों का ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, बट बारिश इतना ज्यादा हो रहा है क्या ये बताओ। और वो देख सकते हो सारे लोग सामान लेके आ रहे हैं और ये मैं लेके आया। ती करना पड़ा बिकॉज बहुत ही ज्यादा सामान था इसके कारण एक कुल्ली लेना पड़ा। देखो बारिश बाय। फाइनली ट्रेन आ चुका है एंड हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। बज रहे सुबह के 8 एंड हम रात के 8 बजे पहुंच जाएंगे। पूरा 12 घंटा लगता है हम लोगों के उधर जाने में पार्टी से। बाकी चलो अभी चलते हैं, ट्रेन का सफर का मजा लेते हैं। ट्रेन भी चालू नहीं हुआ लेकिन हम लोगों ने खाना चालू कर दिया। हम लोग सबसे पहले चकना खा रहे हैं यहाँ पर। चकना भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, तीखा करके खा रहे हैं, बहुत पसंद है मुझे। देख सकते हो आ चुका है मेरा खाना, अभी मैं खाऊंगा इस खाने को। मतलब सिंपल सा है, घर से लेके आए तो टेस्टी होगा। ट्रेन का खाना तो अच्छा नहीं होता, बाकी ये तो घर का खाना है तो अच्छा ही होगा। नीचे नदी ब्रिज के नीचे, अगर एक बार सोचो अगर तुम्हारा घर वहां पर होता और तुम पहाड़ देखते तो भाई इतना मजा आता आप लोगों को। इतना वो अलग बात है कि नेटवर्क पेपर से दूर रहोगे। वो देखो नीला नीला पहाड़ पूरा स्मोक को पहुंच चुका है पोप से। आज गए हाफलोंग रेलवे स्टेशन पे एंड हाफलोंग से काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाफलोंग का ट्रिप करो। बाकी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा इधर कोई रिलेटिव भी नहीं है और कोई जान पहचान भी नहीं है। और कभी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, हाफलोंग ट्रिप भी करूँगा। बाकी तो अभी देख सकते हो हाफलोंग पे हूँ अभी और ये देख सकते हो ये तो पूरा डूब चुका था, फिर से नया करके बनाया। यहाँ पर देख सकते हो पूरा मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल चीजें बेचा जा रहा है यहाँ पर। वो तो नहीं है, वो नहीं है अंडा बिरयानी, वो तो पूरा मतलब फालतू है एकदम। कितना दे दो और एक एक दे दो। ये देख सकते हो ये ले लिया, बट मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं है।
मैं शायद हाफलोंग में काफी जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ अगर हाफलोंग का ट्रिप किया तो। देख सकते हो यहाँ पर बहुत मतलब अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स है यहाँ पर, देख सकते हो। ये पानीमूर वाला वाटरफॉल बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मैंने नहीं देखा कभी, वीडियो पे भी नहीं देखा। हाफलोंग में ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पर ना पूरा नेचर है और पेड़ पौधे देख सकते हो चारों तरफ, पेड़ पौधे, पहाड़ ही पहाड़, और मतलब वो झरने, वाटरफॉल्स, क्या ही बताऊं मैं। और ये देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। बाकी चलो अभी हाफलोंग का ट्रिप कभी कर लेंगे, बाकी अभी चलो हमारे ट्रेन पे चलते हैं, ट्रेन अभी जाने वाला है, तो चलो। ये देखो ये कितनी खुश है, इसका घर इधर ही है, इसका घर हाफलोंग में ना, तो ये खुश है, इसका फादर का घर हाफलोंग पे है। फाइनली बदरपुर पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से हम लोगों को एक घंटा लगेगा। एंड मैंने यहाँ पर देख सकते हो सारे वेक्स रेडी कर दिया है, बाकी हम लोगों को रिक्स नहीं लेने का, 2 मिनट ही रुकेगा हम लोग के उधर, इसके कारण जल्दी जल्दी उतर जाएंगे हम लोग। फाइनली हम लोग नीपरिमगंज पे पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोगों को यहाँ से लगेगा और 30 मिनट्स, एंड उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे। और ये देख सकते हो हम लोगों ने पहले से ही रेडी करके रखा है, बिकॉज सोचते ही ना जल्दी इसको नीचे उतरना पड़ेगा, बिकॉज 2 मिनट के लिए रुकेगा, इसके कारण हम लोग वहाँ पर ज्यादा नहीं रुकता, इसके कारण 2 मिनट के लिए बस रुकेगा, इसके 2 मिनट में ही हम लोगों को इतने सारे जो सामान है उस सबको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी फाइनली पहुंचने वाले हैं एंड पूरा रेडी हो चुके हैं, दरवाजे भी खड़े हैं, जैसे ही रुकेगा हम लोग नीचे उतर जाएंगे। और देखो पूरा सामान वामान, इधर भी देखो इतने सारे सामान। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने टाउन पे एंड ट्रेन तो जा रहा है मेन रोड, वो सामने इधर से निकल के सामने। हाँ हाँ, सो अभी मैं एक ऑटो को देखने जा रहा हूँ, ऑटो देख के हम लोग जो हमारा सामान है वो लोड करके घर पे चले जाएंगे, बाकी अभी मैं जाके एक ऑटो देखता हूँ उसके बाद चलते हैं। फाइनली अपने घर पे पहुंच चुका हूँ और इधर मम्मी देखो कपड़े सिल रही है। ये मेरा दादी है और ये मेरी माँ है।